सो आप लोगों का जो एप्पल में रिकॉर्डिंग का मैसेज आया क्या आप लोगों को? आवाज आई? यस सर, यस सर, यस सर, यहाँ पे रिकॉर्डिंग का सिंबल ऑन नहीं हो रहा। आप लोग के साथ रिकॉर्डिंग का सिंबल दिखा रहा क्या? यहाँ तो दिखा रहा है। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ ओके, स्टार्ट हो गया। ठीक, तो हम लोगों ने एप्पल में आप लोगों का लगभग कल्टीवेशन पोर्शन आपका कंप्लीट कर लिया है, बेसिक कंप्लीट कर लिया, बॉटनी कंप्लीट कर लिया, वैरायटी, डिजीज, इंसेक्ट, सब चीज कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा एप्पल में हमारा तीन चीज बचा हुआ है जिसको आज अपन कंप्लीट करेंगे। एक है आपका डिसऑर्डर और दूसरा है आपका रूट स्टॉक। एक्चुअली ये दो ही चीज बची हुई है, डिसऑर्डर में ही आप लोग जो है रेसेटिंग को पढ़ेंगे, ये भी इसी के अंतर्गत आने वाली चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले एप्पल हम लोग आज डिसऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आप लोग को पहले ही बोला था, डिसऑर्डर और रूट स्टॉक को पढ़ के आना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम लेने वाली चीज है। तो आप लोगों ने डिसऑर्डर पढ़ा है, उसका लिस्ट वगैरह बनाया है सब लोगों ने? ठीक यस है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने लिस्ट बनाया है, कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव बुक में जितनी चीजें अवेलेबल है उतनी पढ़ी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग एक लाइन लिखिए, एप्पल डिसऑर्डर में, इसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, एप्पल डिसऑर्डर में WBC कॉर्प की हो गया कैल्शियम डेफिशिएंसी से, या इसको लिख सकते हो एप्पल डिसऑर्डर में WBC कैल्शियम डेफिशिएंसी से, नहीं, इसको ऐसे ही लिखो, कॉर्की हो गया कैल्शियम डेफिशिएंसी से। यहां तक चीज लिख पाए? समझ में आ रहा है सब लोगों को? एप्पल डिसऑर्डर में WBC कॉर्की हो गया कैल्शियम डेफिशिएंसी से, और फिर बोरॉन डेफिशिएंसी से जो कॉर्की सेल हुए थे, कॉर्की सेल बर्कनॉट में कन्वर्ट हो गए। एक कहानी है, इसे याद कर लिए तो आधा रूट आधा डिसऑर्डर यही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मान के चलो एप्पल में कोई डिसऑर्डर हुआ, जैसे व्हाइट ब्लड सेल पढ़ते हो ना आप लोग, तो एप्पल डिसऑर्डर में व्हाइट ब्लड सेल क्या हो गए? कॉर्की हो गए कैल्शियम डेफिशिएंसी से, और फिर बोरॉन डेफिशिएंसी से वही कॉर्की सेल क्या हो गए? बर्कनॉट हो गए, BURKNOT, बर्कनॉट हो गए। और दूसरी जगह बोरॉन इंक्रीज होने से जोनाथन में वॉटरी स्पॉट हो गया। कहानी समझ में आ रहा है? कहानी क्या है? एप्पल एप्पल में एक डिसऑर्डर हुआ जिससे क्या हुआ, व्हाइट ब्लड सेल कॉर्की हो गया। किसकी वजह से? किसकी वजह से हुआ? कैल्शियम कैल्शियम डेफिशिएंसी। और जहां बोरॉन की डेफिशिएंसी साथ साथ हुई, तो यही कॉर्की सेल किसमें कन्वर्ट हो गए? डेफिशिएंसी बर्कनॉट, बर्कनॉट है वो। ठीक है, और दूसरी जगह में जहां पे बोरॉन की अधिकता हो गई, इंक्रीमेंट हो गई, वहां पे क्या हुआ? जोनाथन के अंदर वाटर वाटर स्पॉट। स्पॉट हो गया। अब इसी ट्रिक पे आपके आधे से ज्यादा डिसऑर्डर आपको याद हो जाएंगे। ये ट्रिक अच्छे से याद कर लीजिए, एक दो बार बोल के देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पास क्या लिखा है, एप्पल में व्हाइट WBC, W फॉर क्या हुआ? वाटर कोर। B फॉर क्या हुआ? बिटर पीट। C फॉर क्या हुआ आपका? क्रैकिंग। और कॉर्की मतलब क्या हो गया आपका? कॉर्की स्पॉट या कॉर्की टिश्यू। ये चारों डिसऑर्डर कैल्शियम डेफिशिएंसी से होते हैं। हो गया याद चार डिसऑर्डर? समझ में आ सर गया कहाँ पे आपको? लिखा है? हाँ क्रैकिंग, 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 कॉर्की स्पॉट। क्लियर हुआ? चार डिसऑर्डर याद हो गया सबको? ये ट्रिक है आपका यहां तक। दूसरा क्या बोल रहा है, और फिर बोरॉन की डेफिशिएंसी होने से कॉर्की सेल किसमें कन्वर्ट हो गए? बर्कनॉट में।
इसका मतलब क्या हुआ, कॉर्की स्पॉट एक तो कैल्शियम डेफिशिएंसी हुआ और दूसरा बोरॉन डेफिशिएंसी से भी हुआ। बोरॉन डेफिशिएंसी से क्या हुआ, कॉर्की स्पॉट, और दूसरा कौन सा डिसऑर्डर, बर्क नॉट। पांच डिसऑर्डर याद हो गए। यस सर। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, और दूसरी जगह बोरॉन इंक्रीज होने से क्या हुआ, जोनाथन में वॉटरी स्पॉट हो गया। तो जोनाथन से आपने जोनाथन स्पॉट नाम सुना है और वाटर से वाटर स्पॉट सुने हो, ये दो डिसऑर्डर हाई बोरॉन के कारण होता है। छह सात डिसऑर्डर यहीं पे याद हो गया आपको, कोई दिक्कत हो रहा है, क्लियर है, वाटर कोट, बीटर पीट, क्रैकिंग, सब क्लियर हो गया। तो कॉर्की स्पॉट कैल्शियम एंड बोरॉन की डिफिशिएंसी है ना, दोनों? हाँ दोनों ही है। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अब इसके ये नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कुछ माइनर सी डिसऑर्डर बच गई है, तो वो तो आपको ऐसे भी याद है। गलती से मैं कह दूं रोजेटी लीफ, तो क्या लगता है क्या होगा इसका कॉज, जिंक डेफिशिएंसी, रोजेटी जिंक डेफिशिएंसी, रोजेटी लीफ, जिंक लीफ, लिटिल लीफ या लीफ ब्रॉन्जिंग, ये सब जिंक जिंक के कारण ही तो होता है, पहले से याद है। वही मैं कह दूं विदर टिप, विदर टिप भी आप पहले पढ़ चुके, विदर टिप या फिर एक्सेंथेमा, ये किसकी कमी से होती है, कॉपर डेफिशिएंसी, कॉपर डेफिशिएंसी लिख लीजिए, कॉपर डेफिशिएंसी। ठीक है, ये आपको पहले से पता है, इसमें मेरे को बताने जैसी कोई चीज नहीं है। इसके अलावा आपने एक डिसऑर्डर कई बार डिस्कस किया हुआ है, ब्राउन हार्ट। ब्राउन हार्ट किसकी वजह से होता है बताओ, कल ही हमने स्टोरेज के टाइम में भी इसके बारे में पढ़ा था। बोरान, सोचो सोचो, वेंटिलेशन पढ़े थे कि आप, हाँ बोलिए, ओवर वेंटिलेशन की वजह से, पुअर वेंटिलेशन हमने पढ़ा था ना, जब कभी भी एप्पल में मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज करना रहता है तो एकमात्र एप्पल ऐसा क्रॉप है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन से होता है, कितना, मोर देन 1% अगर कंसंट्रेशन है, कब, ड्यूरिंग स्टोरेज। तो हम लोग क्या करते हैं, ब्राउन हार्ट का डिसऑर्डर देखते हैं। ठीक है, तो एक आपका क्या हो गया, हाई CO2, और दूसरा क्या हो गया आपका, इसी में लिख सकते हो पुअर वेंटिलेशन, एक ही बात है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, स्टोरेज लाइफ को बढ़ाने के लिए हम ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं ना, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन 1% से ज्यादा हो गया तो ब्राउन हार्ट होने की उम्मीद होती है। तो ब्राउन हार्ट याद रहेगा, यस सर। पोटैटो में भी ऐसे ही एक हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से कोई डिसऑर्डर होता है, कौन सा है बताइए, ब्लैक हार्ट बोलते हैं क्या, है ना, तो पोटैटो में ब्लैक हार्ट, एप्पल में ब्राउन हार्ट, याद रखेंगे। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर हो गया, आधा से ज्यादा आपका खत्म एप्पल का रूट स्टॉक। अब क्या बचा, एक होता है जिसे कहते हैं स्केल्ड, स्केल्ड किसके कारण होता है, स्टोरेज एट हाई टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, बाहरी जो लेयर होता है ना, छिलका विलका, वो भूरा पड़ जाता है, क्यों होता है, क्योंकि फ्रूट के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको अल्फा फर्नीस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्फा फर्नीस, फर्नीसिन, अल्फा फर्नीसिन, ये जो कंपाउंड है ना, इसका ऑक्सीडेशन होने लगता है हाई टेम्परेचर में और ब्राउन कलर का लेयर का सिंथेसिस होता है। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको बस याद रखना है स्केल्ड स्टोरेज एट हाई टेम्परेचर में होता है। वैसे ही एक और प्रॉब्लम आता है जिसे क्या कहेंगे, इंटरनल ब्राउनिंग, और ये इंटरनल ब्राउनिंग एक प्रकार का चिलिंग इंजुरी ही है। चिलिंग इंजुरी होता है जब फ्रूट में स्टोरेज के टाइम में तो भूरा ही पड़ता है फ्रूट, तो इंटरनल ब्राउनिंग बोल रहे हैं, और ये एक प्रकार का चिलिंग इंजुरी है, मतलब ये किस कारण हो रहा होगा, लो टेम्परेचर स्टोरेज के कारण होगा ना, आवाज आ रही है,
यस सर, यस सर। लो टेम्परेचर स्टोरेज के कारण इंटरनल ब्राउनिंग होता है, और ये इंटरनल ब्राउनिंग अभी सारे क्रॉप में आएगा, तो इसको अभी से गांट बांध लो, एकदम याद रखना इसको, ठीक है। और एक बात बताओ, ऐसे एप्पल जो लो टेम्परेचर स्टोरेज के लिए ससेप्टिबल होते हैं, चिली इंजरी के लिए ससेप्टिबल होते हैं, उनमें हम लोग जो है क्या बोलते हैं कि कब करते हैं स्टोरेज, उनको हम कितने टेम्परेचर में करते हैं? 3 to 4 degrees Celsius 3 to 4 degree, याद रखना उसको भी, ठीक है। तो यहां तक का डिसऑर्डर क्लियर हो गया, स्केल्ड, विदर टिप, रोजेटी लीफ, बर्क नॉट, ब्राउन हार्ट, ये सब का याद हो जाएगा कि कोई दिक्कत है? आवाज रिपीट हो रही है, हाँ बताइए क्या बोल रहे थे सर? स्केल्ड डिसऑर्डर एक बार बताओगे? कौन सा स्केल्ड? स्केल्ड में कुछ नहीं होता है, जो आउटर लेयर होता है ना, ये छिलका जिसे एपिडर्मल या हाइपोडर्मल लेयर कहते हैं, इसके नीचे हाइपोडर्मल लेयर होता है, ये जो बाहरी छिलका होता है ना, ये ब्राउन कलर का हो जाता है स्केल्ड में। ये ब्राउनिंग क्यों होती है? ये ब्राउनिंग होती है ऑक्सीडेशन के कारण। किसका ऑक्सीडेशन होता है? एक कंपाउंड पाया जाता है अल्फा फर्निसिन, मैं लिख देता हूं, अल्फा फर्निसिन करके एक कंपाउंड पाया जाता है, इसका ऑक्सीडेशन होने लगता है, ठीक है। किसके कारण? हाई टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में इसका ऑक्सीडेशन होने लगता है। एक्चुअली क्या होता है, एप्पल में वैक्सी लेयर पाया जाता है, इस वैक्सी लेयर से ये केमिकल रिलीज होने लगता है हाई टेम्परेचर में, और इसका ऑक्सीडेशन होने लगता है, और एक ब्राउन कलर का कंपाउंड, ब्राउन कलर का लेयर फॉर्मेशन होता है, उसी डिसऑर्डर को हम स्केल्ड कहते हैं। समझ में आ रहा? ये आउटर लेयर है, इसमें वैक्सी लेयर पाया जाता है, इस वैक्सी लेयर से धीरे धीरे अल्फा फर्निसिन निकलेगा और उसका ऑक्सीडेशन होता जाएगा और ये ब्राउन कलर का कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा। ये होता है स्केल्ड में, ये हाई टेम्परेचर पे होता है। सीधा सीधा याद रखना ना, हाई टेम्परेचर में क्या होगा, वैक्स पिघलेगा, पिघलेगा तो केमिकल रिलीज होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, इस प्रकार से याद कर सकते हो, ठीक है? यस सर। ओके चलिए, अब इसके अलावा एक दो ऐसे डिसऑर्डर है जिसका बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन तो नहीं है। एक है आपका फ्रॉग आई स्पॉट, एप्पल और पियर में होता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ फ्रॉग आई स्पॉट किसमें होता है, तो आप आंख बंद करके एप्पल एंड पियर टिक कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा रूट स्टॉक, दूसरा डिसऑर्डर आता है जिसे कहते हैं मिलीनेस, ये भी एप्पल में होता है, ठीक है। तो ये दो चीज आपको याद रखना है। डिसऑर्डर क्लियर है सभी लोगों को? यस सर, यस सर, यस सर। इसके इसके अलावा एक डिसऑर्डर, एक्चुअली डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, ठीक है। एक आप हेडिंग डालिए रसेटिंग। रसेटिंग क्या होता है? तो बताओ, आप लोगों के साथ तो रसेटिंग डिस्कस हो चुका है, बताइए क्या होता है? बताइए। स्मॉल साइज लीव्स इन क्लस्टर, स्मॉल साइज, सर वाटर इंबैलेंस या खास नहीं है। हाँ, वाटर इंबैलेंस या फ्रॉस्ट डैमेज की वजह से जो आउटर लेयर होती है वो सुबह राइज हो जाती है ब्राउन कलर की, पेरिडर्म, सॉरी पेरिडर्म, तो वही शायद। हाँ हाँ, एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं, आउटर लेयर बोलो या पेरिडर्म बोलो या एपिडर्मल लेयर बोलो, एक ही चीज है वो। देखो होता क्या है कि फ्रूट में बहुत सारा सेल डिवीजन होते रहता है, कई बार बहुत ज्यादा मात्रा में सेल डिवीजन होने के कारण आउटर लेयर स्ट्रेच नहीं हो पाता और आउटर लेयर फट जाता है, या फिर अचानक से पानी की कमी होने के बाद फुल पानी गिर जाने से क्या होता है, आउट सेल डिवीजन एकदम अचानक से बढ़ जाता है और इसमें आउटर लेयर में क्रैकिंग आ जाता है एप्पल के, या फिर टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो गया फ्रूट के अंदर, आइस बनने लगे, इस आइस के कारण आउटर लेयर जो है, छिलका जो है वो रैप्चर हो जाता है। कई अलग अलग कारणों के कारण आप देख पाते हो कि एप्पल में आउटर स्क्रीन जो है क्या हो जाता है, कई बार उसमें क्रैकिंग आ जाती है। समझ पा रहे हैं? आउटर स्क्रीन में क्या आ जाती है? क्रैकिंग आ जाती है। इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, वाटर इम्बेलेंस हो सकता है, लो टेम्परेचर हो सकता है, फ्रॉस्ट इंजुरी हो सकता है, ओकेजनल रेनफॉल हो सकता है, एक्सेस में सेल डिविजन हो सकता है, इन सभी कारणों से कई बार क्या होता है, आउटर लेयर जो है डैमेज हो जाता है। आउटर लेयर डैमेज हो जाता है मतलब क्या जाता है, उसमें क्रैकिंग आ जाता है। जैसे आपके स्किन में कई बार
कोई दीवार से आपका स्किन रब हो गया या कहीं पे चोट लग गया तो क्या होता है, स्किन में क्रैकिंग आ जाता है ना। फिर आप क्या देखते हो, धीरे 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 उस जगह को भरने के लिए जहां पे क्रैकिंग आया है वहां पे एक ब्राउन कलर का पपड़ी टाइप का मटेरियल जमा होने लगता है आपकी स्किन में, है कि नहीं, होता है ऐसा। वैसे ही जब ये क्रैकिंग आ जाता है तो एप्पल के फ्रूट में या फिर कोई भी फ्रूट में, एप्पल में ही नहीं, आप आलू को भी काट के रख दो या कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन के टाइम कट जाता है तो देखते हो वहां पर एक हार्ड पपड़ी टाइप का लेयर डेवलप हो जाता है पोटैटो में। यस, आप लोगों ने एक ट्रीटमेंट पढ़ा होगा ना, क्यूरिंग, वो वही चीज तो है। तो क्या होता है, ये जो इस जहां पे ये क्रैकिंग आ गया है, अब ये छोटा सा कटा है तो एप्पल क्या चाहेगा, चलो इस जगह को कवर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करता है, एक सुबेराइज्ड लेयर का फॉर्मेशन करता है जो कि लगभग कौन से कलर का होता है, ब्राउन कलर का। समझ पा रहे हो, पानी गिर गया, बर्फ जम गया, वाटर इम्बेलेंस हो गया, एक्सेस में सेल डिविजन हो गया, इन सभी के कारण क्या हुआ, फ्रूट में क्रैकिंग आ गई। और उस क्रैकिंग को कवर करने के लिए फ्रूट ने क्या किया, एक ब्राउन लेयर, ब्राउन कलर के लेयर का डेवलपमेंट किया जिसे हम लोग सुबेरीन लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, सुबेरीन लेयर कहते हैं। अब देखो यहां पे आई थी क्रैकिंग, इसको कवर करने के लिए ये क्या बन गया आपका, सुबेरीन लेयर। अब फ्रूट जैसे जैसे ग्रो होता जाएगा तो यहाँ पास जो है टिश्यूज की मात्रा बढ़ते जाएगी, पल्प का मात्रा बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा। Yes. बढ़ेगा। अब जब ये मात्रा बढ़ेगा तो क्या होगा, ये भी बाहर की ओर फूलेगा और ये भी बाहर की ओर ऐसे करके फूलेगा। तो आप क्या देख पाते हो कि यहाँ जहां पे ये सुबेरीन लेयर का फॉर्मेशन हुआ है ना, जब आप अपने फिंगर को स्किन में मूव करोगे ना तो ये जगह आपको उभरा हुआ नजर आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है अंदर के गुदे के प्रेशर की वजह से, पल्प के प्रेशर की वजह से थोड़ा सा बाहर की ओर उभरा हुआ प्रतीत होता है। तो इस प्रकार का जो फिनोमेना देखने को मिलता है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रेसेटिंग कहते हैं। तो रेसेटिंग कुछ नहीं है, छोटा छोटा क्रैकिंग आ जाता है उसको कवर करने के लिए सुबेरीन लेयर बनता है, वही जो हमको दिखाई देता है उसे ही हम रेसेटिंग कहते हैं। मैं आप लोगों को इसका एक फोटोग्राफ भी दिखा देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, मान लीजिए कि ये जो जगह आपको दिख रहा है यहाँ पे आया होगा पहले छोटा छोटा क्रैकिंग, ये सब लोगों ने देखा होगा। ये देखो यहाँ पास क्या आ गया, क्रैकिंग। इसको कवर करने के लिए यहाँ पास ये ब्राउन कलर का सुबेरीन लेयर का डेवलपमेंट हुआ। आप जब इसे टच करोगे, यहां से ऐसे रब करते हुए आओगे तो ये जगह जितना स्मूथ लगेगा यही ये जगह उतना ही खुरदुरा लगेगा। ये चीज देखा है ना सभी लोगों ने, yes, है ना। तो इसी फिनोमेना को रेसेटिंग कहते हैं। आप इस एप्पल को खाओगे तो अंदर से फ्रूट का टेस्ट वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए, टेस्ट में कोई खराबी नहीं आता, केवल और केवल उसके डिस्प्ले में अंतर आता है और इसका प्राइस डाउन हो जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रेसेटिंग कहते हैं। समझ पा रहे हैं सब लोग, रेसेटिंग होता क्या है। ये देखिए, इसमें भी देखो कैसे स्पॉट बन गया है, ठीक है। तो ये ही होता है रेसेटिंग। तो रेसेटिंग समझ में आया क्या होता है, लिख लो अगर लिखना चाहो। रेसेटिंग इज कॉज्ड ड्यू टू डैमेज टू एपिडर्मल सेल्स ड्यूरिंग द इंटेंसिव डिवीजन। इंटेंसिव डिवीजन या कोई भी कारण से अगर डैमेज पड़ जाता है एपिडर्मल सेल में, बाहरी लेयर में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेसेटिंग, मतलब उसके कारण क्या होता है, रेसेटिंग कॉज होता है। रेसेटिंग में होता क्या है, डैमेज्ड एपिडर्मल सेल्स आर कवर्ड बाय ब्राउन सुबेराइज्ड सेल्स। ब्राउन कलर के क्या होता है, रेसेटिंग में क्या होता है, आपका एपिडर्मल सेल जो है इंटेंसिव सेल डिवीजन के कारण क्रैक हो जाता है, जिसको कवर करने के लिए कौन आता है, सुपराइज्ड सेल आता है, ठीक है।
और इसी सुपराइज्ड सेल में क्या होता है, हमको ब्राउन कलर का सिम्टम हमको देखने को मिलता है इसी सुपराइज्ड सेल के प्रेजेंट होने के कारण, उसे ही हम क्या कहते हैं, रसेटिंग। ये किसकी तरह दिखता है, लुक्स लाइक ब्रॉन्जिंग। ब्रॉन्जिंग गुआवा में भी ये ऐसे ही दिखता है कि नहीं दिखता है, तो उसी की तरह दिखता है। कॉज अगर आप लोग लिखना चाहें तो इसका कॉज अलग अलग हो सकता है, जैसे कि वाटर इम्बेलेंस, ओकेजनल रेन, रेनफॉल के कारण भी हो सकता है, फ्रॉस्ट इंजुरी, ठीक है, इन सभी के कारण आपका जो है आपको रसेटिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, गोल्डन डिलीशिया ससेप्टिबल है, और फूजी में, फूजी वैरायटी में जब यही चीज होता है तो उसे हम फ्लेकिंग कहते हैं, फ्लेकिंग, उसमें पैचेस बन जाते हैं, फ्लेकिंग। तो फ्लेकिंग भी एप्पल का डिसऑर्डर है, याद रखेंगे। यहां तक की चीजें याद हुई सभी लोगों को, मतलब क्लियर हुआ? यस सर। सर फूजी का क्या बताएं? वो जो वैरायटी है उसमें भी ऐसा ही सिम्टम देखने को मिलता है, उस डिसऑर्डर को फ्लेकिंग कहते हैं। सर हेलो, हाँ बोलिए। सर मैंने वाटर कॉर्क ड्यू टू एक्सेसिव लेवल ऑफ बोरॉन ऐसे पढ़ा था। वाटर कोर, कोर वाटर कोर पढ़े, वाटर कोर को आपने एक्सेसिव बोरॉन, हाँ वाटर कोर में एक्सेसिव बोरॉन भी रीजन है सर। आपने कैल्शियम बोला, हाँ यहाँ पास आप लोगों को वाटर जो कोर है उसका एक डेफिशिएंसी में कैल्शियम डेफिशिएंसी लिखाया, और दूसरा आपका बोरॉन एक्सेस होना भी इसका कारण है। दोनों ही चीज रेस्पॉन्सिबल है आपके वाटर कोर में, लो कैल्शियम एंड हाई बोरॉन दोनों ही रेस्पॉन्सिबल है, बट वो वैरायटी ट्रिक में फिट बैठ नहीं रहा था इसलिए उसको वहां पास नोट नहीं किया हुआ है। आप चाहो तो नोट कर सकते हो, दोनों ही कारण है उसमें, ऐसा नहीं कि सिर्फ कैल्शियम डेफिशिएंसी या सिर्फ बोरॉन के एक्सेस से होता है, दोनों ही चीजें वहां पास है, हाई बोरॉन लो कैल्शियम आपको देखने को मिलेगा। ओके सर, ओके दोनों ही है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो याद कराने के चक्कर में ट्रिक में वो चीज इंक्लूड नहीं हुई है बस। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है सभी लोगों को डिसऑर्डर? ओके, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं ये डिसऑर्डर के सेक्शन से, और हम लोग अब मूव करते हैं रूट स्टॉक की ओर। रूट स्टॉक सभी लोगों ने पढ़ा है, लिस्ट बनाया है? ठीक है सर। जब हम लोग रूट स्टॉक में आएंगे तो सबसे पहले तो आप लोग को रूट स्टॉक में एक रूट स्टॉक याद रखना है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सीडलिंग रूट स्टॉक। एप्पल में सीडलिंग रूट स्टॉक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? बकाटा, मेलस बकाटा, लिख लीजिए मेलस बकाटा को हम लोग एज एन सीडलिंग रूट स्टॉक यूज करते हैं। इसे हम लोग क्रैब एप्पल भी कहते हैं या फिर साइबेरियन क्रैब एप्पल भी कहते हैं, दोनों ही नाम से आप इसे जान सकते हैं, साइबेरियन क्रैब एप्पल कह लो या फिर क्रैब एप्पल कह लो। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग जो है किसके लिए करते हैं, तो इंसेक्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए हम लोग जो है इसका उपयोग करते हैं। किन किन इंसेक्ट डिजीज के लिए इसमें रेजिस्टेंस है, तो पाउडरी मिल्ड्यू, एप्पल स्केब, वूली एप्पल एफिड, वूली एप्पल एफिड, इन सभी के लिए इसका उपयोग होता है। ठीक है, मेलस बेकाटा, और ये सीडलिंग रूट स्टॉक का प्रोपगेशन सीड से किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसका ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी उपयोग किया जाता है, याद है सभी लोगों को?
यस इसमें सर, मस्त व्हाइट फ्लावर होते हैं, इसलिए इसको ऑर्नामेंटल पर्पस से भी यूज किया जा सकता है। ये हिमालया और साइबेरिया एरिया में पाया जाता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है मेनली, ठीक है। दूसरा आता है हमारा क्लोनल रूट स्टॉक, ऐसे रूट स्टॉक जिसको हम लोग सालों का रिसर्च करके बनाते हैं, उसे हम लोग जो है क्लोनली प्रोपोगेट करते हैं ताकि उसका कैरेक्टर जनरेशन दर जनरेशन मेंटेन रहे। ये जितने क्लोनल रूट स्टॉक होते हैं इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था प्रोपोगेशन के सेक्शन में, है ना। तो इसके फायदे में अभी यहाँ पे और नहीं बता रहा हूँ, ऑलरेडी एक बार हो चुका है। ये जो क्लोनल रूट स्टॉक होते हैं इसको हम लोग कौन से मेथड से प्रोपोगेट करते हैं? माउंट लेयरिंग या फिर और क्या कहते हैं, स्टूलिंग। इससे हम लोग जो है इसका प्रोपगेशन करते हैं। क्लोनल रूट स्टॉक में जब आते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है एम सीरीज। क्या है भैया एम सीरीज बताइए, इसके बारे में डिस्कशन आप लोग के साथ पहले कभी हुआ है कि नहीं हुआ है? यस सर, ठीक स्लाइड में ठीक। एम सीरीज का मतलब होता है मेलिंग सीरीज। मैं आपके आपको इसके डिटेलिंग में बताने में ज्यादा फोकस करता हूँ। लिस्ट तो आपको बुक में मिल ही गया, आप लोग नोट किए ही होंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं कराऊंगा ही, ठीक है। क्या हुआ कि बहुत पहले एप्पल में रूट स्टॉक का प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ। अलग अलग रिसर्च सेंटर ने अलग अलग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से एप्पल में रूट स्टॉक डेवलप करने का सोचा। तो क्या हुआ, एक रिसर्च सेंटर था EMRS, क्या है, ईस्ट मेलिंग रिसर्च स्टेशन। ये कहाँ मौजूद है, तो केंट करके एक जगह है इंग्लैंड में, केंट इंग्लैंड में 1912 के आसपास रूट स्टॉक डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ और लगभग 16 रूट स्टॉक डेवलप किए गए। कितने रूट स्टॉक डेवलप किए गए, 16 रूट स्टॉक डेवलप किए गए। जब ये मेलिंग में ये रिसर्च 1912 में चल रहा था तब उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमको ऐसा रूट स्टॉक डेवलप करना है जिससे हम प्लांट के हाइट को कंट्रोल कर सके। क्या कंट्रोलिंग रूट स्टॉक चाहिए था, वीगर कंट्रोलिंग रूट स्टॉक। मतलब अगर मुझे मान के चलो बौना पौधा चाहिए तो मैं एक रूट स्टॉक डालूं और पौधा क्या हो जाए, हाइट कम हो जाए, ड्वार्फ हो जाए। अगर मुझे विग्रस पौधा चाहिए जो एकदम तेजी से ग्रो होने वाला है तो मैं एक रूट स्टॉक डालूं और हमारा पौधा विग्रस हो जाना चाहिए। सेमी विग्रस चाहिए, सेमी विग्रस हो जाए। अल्ट्रा ड्वार्फ चाहिए तो अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक डालो, अल्ट्रा ड्वार्फ हो जाएगा। इस प्रकार के रूट स्टॉक के डेवलपमेंट का टारगेट लेके केंट में रिसर्च स्टार्ट हुआ और उन्होंने टोटल 16 अलग अलग प्रकार के रूट स्टॉक का डेवलपमेंट किया जिनके अलग अलग खासियत थे। कोई ड्वार्फ था, कोई विग्रस था, कोई सेमी विग्रस था, कोई अल्ट्रा ड्वार्फ था। तो अगर कोई पूछे कि एम सीरीज का डेवलपमेंट हुआ तो उससे रूट स्टॉक जो डेवलप हुए उनकी क्या खासियत थी, तो क्या खासियत थी, वो कैसे किस प्रकार के रूट स्टॉक थे, विगर कंट्रोलिंग रूट स्टॉक, ठीक है, हाइट को कंट्रोल करने वाले, उसके ओज उसके फैलाव को कंट्रोल करने वाले रूट स्टॉक थे, ठीक है। 1912 में EMRS में इसका डेवलपमेंट हुआ, इसमें टोटल 16 रूट स्टॉक डेवलप हुए जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आता है M9 रूट स्टॉक। नाम सुने हो M9? एप्पल का मोस्ट वाइडली यूज्ड रूट स्टॉक। हाँ लिखिए, मोस्ट वाइडली यूज्ड रूट स्टॉक। इसकी खासियत क्या है, यह एक ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है, यह ड्वार्फिंग कैरेक्टर लाता है। तो ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है क्या, M9, क्लियर है, ठीक है। तो M9 ड्वार्फिंग रूट स्टॉक हुआ M सीरीज का, ठीक है। इस M9 को भविष्य में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसमें और नए नए चीज डेवलप की। बायोटेक्नोलॉजी का डेवलप करके एक जीन आप लोग को याद होगा, एटासीन जीन याद है, yes, जो पुराने बैच वाले उनको याद होगा, न्यू बैच वाले में अभी 2-3 दिन में आने वाला है ये क्लास। अभी आप लोग को जीन वो पढ़ाऊंगा ना, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, तो वहां पे बताऊंगा। एक जीन होता है जिसे क्या कहते हैं, एटासीन जीन। इस एटासीन जीन को एक ऑर्गेनिज्म है जायंट सिल्क मोथ, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। जायंट सिल्क मोथ में एक जीन पाया जाता है एटासीन जीन।
इस एटासिन जीन को जायंट सिल्क मॉथ से निकाले और किसमें डाले, इस एटासिन जीन को M9 रूट स्टॉक में। जब एटासिन जीन को M9 रूट स्टॉक में डाले तो क्या हुआ, ये रूट स्टॉक जो है ड्वार्फिंग तो था ही था, अब ये फायर ब्लाइट एक डिजीज होता है, उसके लिए ये क्या हो गया, टॉलरेंट हो गया। ये फायर ब्लाइट एक बैक्टीरिया अर्विनिया मेलोरा कारण होता है। तो जब हमने एटासिन जीन को जायंट सिल्क मोथ से निकाल के ड्वार्फिंग रूट स्टॉक M9 में डाला तो ये फायर ब्लाइट या इसी को स्टोरेज में सॉफ्ट रॉट कहते हैं, सॉफ्ट रॉट या फायर ब्लाइट के लिए ये क्या हो गया, रेजिस्टेंट हो गया। तो याद रखेंगे M9 को क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाया गया है एटासिन जीन के ट्रांसफर करने से, ये एक पॉइंट M9 के बारे में याद रखेंगे। क्लियर है yes, sir. ऐसे ही एक रूट स्टॉक हुआ जो बहुत फेमस है, मैं वो लिखा रहा हूं, ठीक है, M27, इसे कहते हैं अल्ट्रा ड्वार्फिंग रूट स्टॉक, उससे भी छोटा पौधा प्रोड्यूस करता है ये। M27 का सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है M13 × M9, इन दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करके M27 बनाया गया है। इसको मार्क टाइडमैन करके एक साइंटिस्ट हुए, इन्होंने 1929 में डेवलप किया, 1929 में। ये अल्ट्रा ड्वार्फिंग था, ठीक है, इसको आप 0.5 × 1.5 m² के स्पेसिंग में लगा सकते हो, समझ रहे हो कितना कम होता है 0.5 × 1.5 m², 5x5 6x6 में लगता है एप्पल। क्लियर है? Yes, sir. ऐसे ही एक रूट स्टॉक हुआ M26, ये भी ड्वार्फिंग रूट स्टॉक था, ये जो है M16 × M9 के क्रॉस से बना। ऐसे ही एक रूट स्टॉक हुआ जिसका नाम था M13, ये वेट कंडीशन के लिए है। तो जो सबसे दो इंपॉर्टेंट है वो M9 और M27 है, जो मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए, ड्वार्फ और अल्ट्रा ड्वार्फ तो लिख लिए, सेमी ड्वार्फ की बात किया जाए तो M2 और M7 सेमी ड्वार्फ है, विग्रस की बात किया जाए तो M12, M16 और M25 ये है। वेट कंडीशन यहां तक क्लियर हुआ? और सेमी ड्वार्फ में क्या लिखे हैं? M2 M7, सर हाँ बताइए। M4 भी होता है ना सेमी ड्रॉप? M कौन सा? 4 M4 एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मे बी होगा, चेक किया जा सकता है। मैंने हैंडबुक में पढ़ा था सर। हाँ तो है, अगर तो डिफरेंस तो उसको डाल सकते हैं M4। बहुत सारे हैं इससे, एक्चुअली 16 रूट स्टॉक थे, सारे के करेक्टर याद नहीं हमारे SRF में तो, और बहुत एकदम बेकार टाइप का क्वेश्चन आया था 2020 में, हाइट वाइज अरेंज करिए करके। तो आप लोग जो मेजर है वो याद कर लीजिए, और ये सेमी ड्वार्फ विग्रस जितना याद कर पाओ और बेटर है, तो आप लोग याद कर सकते हैं अगर है तो, ठीक है सर। हैंडबुक में M2 को विग्रस रूट स्टॉक की कैटेगरी में रखा गया है। M2 है या M12 है वो एक बार चेक करिएगा सर। M2 ही है कंफर्म सर। एडिशन कौन से फिर उसकी हैंडबुक की? मुझे नहीं पता, मैंने एक्चुअली हैंडबुक नहीं पढ़ा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ।
एक्चुअली मैं हैंडबुक इसका एप्पल का नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है जो भी होगा एक बार मैं क्रॉस चेक नाइनटीन वाली है ना, ठीक है एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ विग्रस और सेमी ड्वार्फ वाला, बाकी आप लोग भी इसको एक बार चेक कर लेना। विग्रस दिया है सर, विग्रस दिया हुआ है ना, तो ठीक है इसको M2 को विग्रस में डाल दीजिए फिर, मैं भी इसको क्रॉस चेक कर, मैं भी इसको सुधार लेता हूँ। तो M4 और M7 अब मेटन 793 सर विग्रस है, हाँ वो अभी आने का है, ठीक है तो इतना आपको M सीरीज में याद रखना है। इसके बाद ऐसे ही एक रूट स्टॉक आता है जिसे हम कहते हैं मर्टन 793, ये M सीरीज नहीं है ना, M सीरीज मेलिंग होता है, ये मर्टन है। मर्टन 793 के बारे में आपको याद रखना है, एक तो ये क्या है रेजिस्टेंट टू वूली एप्पल एफिड, वूली एप्पल एफिड के लिए रेजिस्टेंट है। दूसरा आप लोग को याद है हम लोगों ने एस ए आर डी पढ़ा था, स्पेशियल एप्पल रिप्लांट डिजीज, याद है? यस सर। रिप्लांट का एक प्रॉब्लम आता है उसके लिए भी काम आता है, और दूसरा वूली एप्पल एफिड के लिए काम आता है, और तीसरा विग्रस रूट स्टॉक बोल रहे क्या, इसका क्वेश्चन आया हुआ था, ये विग्रस का रिफरेंस क्या है सर? हैंडबुक है, विग्रस ही है हैंडबुक में, हैंडबुक में दिया है ना, ठीक तो विग्रस रूट स्टॉक याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ और मैं इसको गलत बनाया था, तो आप लोग ये गलती मत करना, विग्रस रूट स्टॉक है ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है सर। मैलिंग सीरीज का विग्रस रूट स्टॉक एक बार दिखा दो ना प्लीज। ये M12, M16 और एक M2 और M25, लास्ट में क्या लिखे हैं? M25, M2 और M25, एक मिनट रुक जाइए मैं इसको कुछ ऐड कर रहा हूँ। 23 बताया था सर, एक मिनट रुक जाइए। ठीक मैं एक बार फिर से अच्छे से लिख देता हूँ, सेमी ड्वार्फ में आपका है M4 और M7, और आपका जो विग्रस है उसमें है M2, M12, M16 और M25, ठीक है इतना आप लोग नोट कर लीजिए, जितना याद हो पाएगा आराम से करिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। M9 और M27 को बस गलत नहीं करना है, और मर्टन 793 का कैरेक्टर याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। एक्चुअली ये सब याद करने वाला ही है, आप बुक से देख के भी याद कर सकते हैं, उसके पीछे का जो लॉजिक है ना वो आपको समझना जरूरी है। तो हमने क्या देखा कि एक हमारा बना क्या एम सीरीज, एम सीरीज के डेवलपमेंट के बाद अब जैसे ही 1912 से 1930 के बीच में 1920-30 के बीच में हमने एम सीरीज का डेवलपमेंट कर लिया, मतलब अब हमारे पास पूरे वर्ल्ड में मार्केट में ऐसी वैरायटीज थी, ऐसे रूट स्टॉक्स थे सॉरी, जिसके थ्रू हम लोग जो है प्लांट के हाइट को कंट्रोल कर सकते थे। तो क्या अब हमें और हाइट को कंट्रोल करने वाले रूट स्टॉक के डेवलपमेंट में फोकस करने की जरूरत थी क्या? नहीं सर। नो सर। तो अब लोगों ने क्या कहा कि चलो भाई हाइट तो हमने कंट्रोल कर लिया, पर हाइट कंट्रोल करने से क्या होगा, उसमें इंसेक्ट भी लग रहे, डिजीज भी लग रहे हैं, और सबसे बड़ा इंसेक्ट क्या लग रहा है, वूली एप्पल एफिड। तो लोगों ने क्या कहा कि अब हमको इस इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट रूट स्टॉक चाहिए। तो अब रेजिस्टेंट रूट स्टॉक चाहिए तो एक आदमी सामने से आके खड़ा हो गया तो ठीक है ना, नॉर्दर्न स्पाई करके ऑलरेडी एक वैरायटी है जिसको बहुत पहले ही ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया गया है वूली एप्पल एफिड रेजिस्टेंट के लिए, रेजिस्टेंस के लिए वूली एप्पल एफिड इंसेक्ट के लिए। तो हमारे पास इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट रूट स्टॉक ऑलरेडी नॉर्दर्न स्पाई था, पर अगर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे ड्वार्फ रूट स्टॉक भी चाहिए लेकिन उसमें वूली एप्पल एफिड भी रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो ऐसा रूट स्टॉक कोई नहीं था, या मुझे विग्रस में वूली एपिड चाहिए या मुझे सेमी विग्रस में चाहिए या अल्ट्रा ड्वार्फ में चाहिए। तो उस केस में प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि
वूली एप्पल एफिड रेजिस्टेंट के लिए रेजिस्टेंट रूट स्टॉक तो नॉर्दर्न स्पाई है, पर ये ना ड्वार्फ है ना विग्रस है ना सेमी विग्रस है, मुझे उनके कॉम्बिनेशन में ये रूट स्टॉक चाहिए। तो उसके लिए क्या किया गया, एमएम सीरीज का डेवलपमेंट किया। एमएम सीरीज मतलब क्या होता है, मेलिंग मर्टन। ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है कि हमारे पास ऑलरेडी विगर कंट्रोलिंग रूट स्टॉक है, अब मैं चाहता हूं कि उन्हीं विगर कंट्रोलिंग रूट स्टॉक में वूली एप्पल एफिड का रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाए। तो इसके लिए क्या किया गया, मेलिंग जो रूट स्टॉक हैं, जो एम सीरीज के रूट स्टॉक हमने डेवलप किए थे, उसको किसके साथ क्रॉस किया गया, नॉर्दर्न स्पाई के साथ। मान के चलो एम नाइन के साथ नॉर्दर्न स्पाई को क्रॉस करेंगे तो जो बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा, ड्वार्फिंग भी होगा प्लस नॉर्दर्न स्पाई की तरह वूली एप्पल एफिड रेजिस्टेंट रूट स्टॉक भी होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है? यस सर। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू इवॉल्व वूली एप्पल एफिड रेजिस्टेंट रूट स्टॉक अलोंग विथ यानी कि साथ साथ अलोंग विथ वीगर कंट्रोल, वीगर भी कंट्रोल हो जाए और वूली एप्पल एफिड का रेजिस्टेंस भी आ जाए। ये लॉजिक लगा के मेलिंग मर्टन सीरीज का डेवलपमेंट हुआ। मेलिंग मतलब क्या हुआ, वीगर कंट्रोलिंग रूट स्टॉक, नॉर्दर्न स्पाई से क्या मिल गया, वूली एप्पल एफिड रेजिस्टेंस। अब मेलिंग नाम तो समझ में आ रहा होगा, मर्टन नाम क्यों पड़ा, ये कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो याद रखेंगे मेलिंग सीरीज का डेवलपमेंट कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में, ईस्ट मेलिंग रिसर्च स्टेशन मेलिंग यहां डेवलप हुआ था। तो इस ईस्ट मेलिंग रिसर्च स्टेशन के रूट स्टॉक का उपयोग करके जॉन इन हॉर्टिकल्चर करके एक रिसर्च स्टेशन था जो कि कहां मौजूद था, मर्टन में। इस मर्टन में ये डेवलपमेंट किया गया। क्या किया गया, ईस्ट मेलिंग रिसर्च स्टेशन के हेल्प से एम सीरीज को मंगवाया गया कहां, मर्टन में, और यहां नॉर्दर्न स्पाई के साथ क्रॉस करके मेलिंग मर्टन सीरीज का डेवलपमेंट किया गया। तो इसका ले लिए मेलिंग, इसका ले लिए मर्टन। समझ में आया, और क्या बन गया, मेलिंग मर्टन रूट स्टॉक। तो अगर कोई भी व्यक्ति पूछे कि एम सीरीज की खासियत क्या थी, एम सीरीज की खासियत क्या थी, वीगर कंट्रोलिंग, क्या था, वीगर कंट्रोलिंग। वैसे ही अगर कोई बोले एमएम सीरीज की खासियत क्या है तो सबसे पहले क्या बताओगे, वूली रेजिस्टेंट टू, हाँ रेजिस्टेंट टू वूली एप्पल एफिड प्लस वीगर कंट्रोल। ठीक है, तो एमएम सीरीज आर रूट रेजिस्टेंट टू, ऐसा करके पूछेंगे तो आप बता सकते हो। एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं एमएम 104, एमएम 106, एमएम 111, इनके क्रॉस को देखोगे तो इसका क्रॉस क्या है, एम टू इंटू नॉर्दर्न स्पाई, इसका एम वन इंटू नॉर्दर्न स्पाई। एमएम 111 का क्या है, नॉर्दर्न स्पाई इंटू मर्टन 793। ये अलग वाला है बट ये भी रूट स्टॉक है, याद रखेंगे। तो ये अलग अलग प्रकार के वाला बता दें, एमएम एम वन, एम वन इंटू नॉर्दर्न स्पाई, एमएम 106 आपको याद रखना है। इनके क्रॉस बिल्कुल याद नहीं रखने, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं। ये जो एमएम 106 है ये वेट सॉइल के लिए काम आता है, और एमएम 111 जो है ये सेमी ड्वार्फ है। ठीक है, याद रखेंगे सर, हैंडबुक में सेमी विग्रस दिया है। हाँ वही सेमी विग्रस बोलो या सेमी ड्वार्फ की बात है। ठीक है, सेमी विग्रस लिख लो। ठीक है, और दूसरा ये यहां तक है, दूसरा एमएम वाले ड्रॉट टॉलरेंट। हाँ क्या हुआ एमएम वाले का सर, एमएम 104 का एक बार क्रॉस बता दीजिए, एम टू इंटू नॉर्दर्न स्पाई। हो गया सर। ओके, ऐसे ही
तीसरा आता है आपका मर्टन सीरीज, तो मर्टन सीरीज में आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है मर्टन 793 डेवलप हुआ है। चौथा आता है जिसे कहते हैं इमला सीरीज, नाम सुने हो? यस सर। इसका फुल फॉर्म है ईस्ट मेलिंग लॉन्ग एस्थॉन, ऐसे करके लिखते हैं, लिख लीजिए, रिसर्च स्टेशन। क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि यार हमने एम सीरीज तो डेवलप कर लिया, लेकिन एम सीरीज क्लोनल रूट स्टॉक है, उसको क्लोनल प्रोपगेशन से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर पेरेंट में कोई वायरस है तो वो उसके बच्चों में भी आ जाता है। तो हम जो नर्सरी से रूट स्टॉक खरीद के ला रहे हैं उसमें क्या समस्या है? वायरस का समस्या है। तो उन्होंने कहा लोगों ने कि हमको ऐसा वायरस दो जो कि ऐसा रूट स्टॉक दो जो कि वायरस फ्री हो। तो इन्होंने क्या किया, वायरस फ्री एम सीरीज का डेवलपमेंट किया, वायरस फ्री रूट स्टॉक का डेवलपमेंट किया। अब अगर आपको वायरस फ्री रूट स्टॉक का डेवलपमेंट करना है या वायरस फ्री प्लांट का प्रोडक्शन करना है तो आप क्या करोगे? कौन सा कल्चर टेक्निक यूज करते हैं? तो इन्होंने क्या पकड़ा, M9 को पकड़ा और वायरस फ्री कर दिया। वायरस फ्री कैसे कर दिया? मेरिस्टेम कल्चर से इसका प्रोपगेशन कर दिया। वायरस फ्री M9 मिल गया अपने को, है कि नहीं? M9 के पौधे से टिश्यू तोड़ के लाए और हमारे बायोटेक्नोलॉजी लैब में ले जाके उसके मेरिस्टेम का टुकड़ा लेके आए और मेरिस्टेम से एक नया पौधा बना दिए। जो नया पौधा रहेगा वो वायरस फ्री रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा सर। अब अगर उस वायरस फ्री प्लांट को भी मैं M9 से ही बांटूंगा तो फार्मर तो हो जाएगा कंफ्यूज। तो उसने अब उस M9 का नाम बदल के क्या कर दिया, इमला 9, समझ रहे हो? और इस प्रकार से इमला सीरीज का डेवलपमेंट हुआ। एम सीरीज MM सीरीज के रूट स्टॉक को लाते गए, वायरस फ्री करते गए मेरिस्टेम कल्चर से और बेचते गए। ये क्या हो गया आपका, इमला सीरीज का डेवलपमेंट। तो कोई बोले इमला सीरीज क्या है, तो सबसे पहले तो वायरस फ्री रूट स्टॉक, इनमें वायरस नहीं पाई जाती है। क्लियर है इमला सीरीज का डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव? और ये ऑब्जेक्टिव से ही सवाल आएगा भैया, तो याद रखना, और इसी से ही आसानी से याद कर सकते, नहीं तो पागल हो जाओगे याद करते करते। क्लियर है सर? एक बार MM111 का दिखा दो। MM111 नॉर्दर्न स्पाइक इनटू मर्टन 793। सर वो टॉलरेंट टू किससे है? ये वाला ड्रॉट। सर क्या जो मेलिंग सीरीज होगा, सीरीज होंगे वो डिजीज या पेस्ट रेजिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं होंगे? उनके अंदर खुद में थोड़ा बहुत जो होगा वो होगा, अदरवाइज स्पेसिफिकली आप नहीं बोल सकते कि एम सीरीज डिजीज रेजिस्टेंस है, और आप किसी में कैरेक्टर पढ़ोगे भी नहीं, बहुत रेयरली ही एक आध कोई में होगा जो हम मेजर नहीं होगा तो मे बी आप पढ़ पाओगे, अदरवाइज एम सीरीज जो है उनका ऑब्जेक्टिव ही था विगर कंट्रोल करना। MM सीरीज में आपको इंसेक्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, इमला सीरीज में आपको वायरस फ्री प्लांट मिलेंगे। ओके यस सर। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे अदर सीरीजेस हैं, जैसे कि एक आता है जिसे कहते हैं जेनेवा सीरीज। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बस मैं लिखवा रहा हूं, इसको याद नहीं करना है। जेनेवा सीरीज जो है न्यूयॉर्क स्टेट एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंटल स्टेशन जेनेवा, जेनेवा एक जगह है, न्यूयॉर्क स्टेट एग्रीकल्चरल स्टेशन जेनेवा में डेवलप की गई थी जेनेवा सीरीज। इसमें डेवलप हुई है G11 G30, ये दोनों ही फायर ब्लाइट रेजिस्टेंस है। तो कोई पूछे कि जेनेवा सीरीज में क्या रेजिस्टेंस पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, फायर ब्लाइट रेजिस्टेंस। क्लियर है? ऐसे ही एक डेवलप हुआ ओटावा सीरीज। ओटावा सीरीज कहां से डेवलप्ड है, कनाडा। ये है रेजिस्टेंट टू लेटेंट वायरस,
एक वायरस होता है उसके रेजिस्टेंस है, लिखते जाइए। तीसरा आता है जिसे कहते हैं बडगो विस्की सीरीज, या फिर शॉर्टकट में बड सीरीज कहते हैं। अभी आप लोग बहुत नाम सुन रहे होंगे रशिया का, तो रशिया में एक जगह में ये रशिया में एक मिकेरियन कॉलेज इन हॉर्टिकल्चर करके एक जगह है, ठीक है। मतलब ये बडगो विस्की कहाँ डेवलप हुआ है, रशिया में डेवलप हुआ है, ठीक है। तो रशिया में जो सीरीज डेवलप हुआ है, अब एक बात बताओ, रशिया ठंडा जगह है कि गर्म जगह? ठंडा। तो वहां डेवलप्ड रूट स्टॉक के अंदर क्या खासियत होगी? कोल्ड हार्डी। कोल्ड हार्डी, तो लिख लीजिए कोल्ड या विंटर हार्डी है। बर्ड सीरीज के जो रूट स्टॉक होते हैं वो क्या होते हैं? कोल्ड हार्डी या विंटर हार्डी होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो बर्ड 9, ये विंटर हार्डी भी है और ड्वार्फ भी है, ड्वार्फ प्लस विंटर हार्डी, याद रखेंगे। आप सीरीज कहाँ का है उसको याद रखना, क्या करेक्टर है वही याद रखना बस, ठीक है, क्लियर है? लिखते जाइए। नेक्स्ट, अभी तक आपने अल्ट्रा ड्वार्फ में क्या पढ़ा है? M27 ऐसे ही एक है जिसे कहते हैं MAC-39, ठीक है। अभी पढ़ते हैं, एक और सीरीज होता है जिसे कहते हैं मिकीगन सर स्लाइड में, हाँ एक मिनट रुकिए, मिकीगन एप्पल क्लोन, शॉर्टकट में MAC, ठीक है। मिकीगन एप्पल क्लोन सीरीज यानी कि मैक सीरीज, ठीक है। ये क्या है आपका? MAC-39 करके एक रूट स्टॉक है जिसे हम लोग अल्ट्रा डवार्क रूट स्टॉक कहते हैं। ये मैक सीरीज है, मिकीगन एप्पल क्लोन सीरीज, ठीक है। तो ये सीरीज का नाम याद रखो, जितना याद कर पाओगे ठीक है, नहीं कर पाओगे कोई दिक्कत नहीं, बट आ जाएगा तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत दिमाग लगा पाओगे। तो अल्ट्रा ड्रॉप केवल दो है, एक M27 और दूसरा MAC-39, क्लियर है? आगे बढ़े सर। G11 और जी क्या था? G11 है और एक है G30। ओके सर। ओके, अब एक लास्ट एक और आता है, लास्ट ही मान लीजिए, पोलिश सीरीज। ये जो पोलिश सीरीज है ना, ये पोलैंड में डेवलप किया गया है। कहाँ डेवलप किया गया है? पोलैंड में, याद रखेंगे इसे, ठीक है। ये पोलिश सीरीज में रूट स्टॉक आता है P2, P22, इस प्रकार का रूट स्टॉक आता है। इसमें ये जो P2, P22 है ना, ये क्या है? ड्वार्फिंग इंटर स्टॉक है। क्या है? इंटर स्टॉक, ड्वार्फिंग इंटर स्टॉक के रूप में यूज होता है, याद रखना। ये थोड़ा अलग टाइप का है तो याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर है यहां तक सबको? यस सर। ठीक, अब मैं आप लोग को कुछ सीरीज और उनके जगह का नाम लिखा रहा हूं, इसको याद रखना। गलती से अगर पूछ दिया कि बताओ पी सीरीज कहां से निकला है, तो बताइए पी सीरीज मतलब क्या सीरीज हो गया? पोलिश सीरीज। पोलिश कहां से निकला है? पोलैंड। पोलैंड, ठीक है। अगर बोल दे कि जेपी सीरीज कहां से निकला है, तो जेपी सीरीज निकला है जापान से। अगर कोई बोल दे ओटावा सीरीज कहां से निकला है, बताओ ओटावा सीरीज कहां से पढ़े थे? कनाडा, ठीक है। तो ओटावा सीरीज निकला है कहां से? कनाडा से। वैसे ही अगर कोई बोल दे बर्ड सीरीज कहां से निकला है, या बडगो विस्की सीरीज कहां से निकला है, तो कहां से निकला है? रशिया, ठीक है। ऐसे ही कोई बोल दे जी सीरीज मतलब क्या हो गया? जेनेवा सीरीज। कहां से निकला है? जेनेवा से। अरे तो जेनेवा कहां है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क राज्य है किसका? अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यूएसए से निकला है, ठीक है। ऐसे ही एक और है रोबस्टा सीरीज, ये भी कहां से निकला है? कनाडा से।
ठीक है, इतना क्लियर है? यस सर। एक दो रूट स्टॉक जिनके कैरेक्टर आपके छूट गए हैं या रिवाइज कराने के लिए मैं कर देता हूं। नॉर्दर्न स्पाइक बताइए, वूली एप्पल एफिड रेजिस्टेंस है? यस सर। पढ़े ना, तभी तो क्रॉस किए थे। ऐसे ही आपका वॉइस नहीं आ रहा है सर। ऐसे ही वॉइस नहीं आ रहा है, एक हो रहा है सर। आवाज आ रही है? यस सर। अभी भी ब्रेक हो जा रहा है सर। अच्छा, मैं यहाँ पे नोट करते जा रहा हूँ, ये लास्ट है, इसके बाद वैसे भी खत्म हो गया है टॉपिक। ठीक है, आप लोग लिख पाएंगे? मैं नोट करते जाऊँ? यस सर। ठीक, एंटोनो वोगास ये भी विंटर हार्डी है। एप्पल टेंस, ठीक है, एक हमने रोबस्टा पढ़ा ना कनाडा का, रोबस्टा नंबर 5 फ्रॉम एप्पल, और एक लास्ट लिखिए नोवेल फ्रॉम फायरफ्लाई। इतने डिटेल को बता दिया हूँ, इतना ताकि आप मतलब याद पूरा नहीं करना है, आप बस पढ़ते जाइएगा कहानी के तौर पे, ताकि चीजें आपको क्लियर रहे। पर नोवेल क्या है? आवाज ब्रेक हो रही है क्या? मेरे को लग रहा है नहीं जा रही। नोवेल भी फ्री फ्रॉम फायर। यस सर। एप्पल इतना ही है, एप्पल में इतना आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ओके सर। यस सर। ओके।